बता साले। माँ बोल। माँ बोल। माँ बता दे साले, बता दे। तू बताएगा, जरूर बताएगा। बता दे, नहीं तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। नहीं बताएगा? बता बोल। बता बोल। बता बता साले। रुको, हाथ खोलो इसके। पकड़, पहन ले। चल अब शुरू से लेके एंड तक सब कुछ बकना स्टार्ट कर। मैं एक अच्छे परिवार से हूं सर। मैं स्कूल का टॉपर था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब कॉलेज का पहला दिन था। सब लोग बहुत खुश थे और मैं भी। मम्मी जल्दी करो, लेट हो रहा हूं। बस तैयार है बेटा, 5 मिनट रुक जा। हे भगवान, सुबह सुबह सब जल्दी में रहते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्यों आज भी तेरे पेट में दर्द है क्या? पापा। पाई लागू पापा। जीते रहो बेटा। खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अपना और हमारा नाम खूब रोशन करो। बेटा आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं चाहूंगा कि तुम अपनी कॉलेज लाइफ खूब एंजॉय करो और हाँ, साथ ही साथ पढ़ाई भी करो। जी पापा बिल्कुल, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। अच्छा बेटा नाश्ता लो। मम्मी मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो पूरा करके जा। मम्मी मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। बाय पापा। ओके बेटा। अच्छा सुनो, कॉलेज से सीधे घर ही आना है। जी पापा। रुक रुक एक मिनट। अब क्या हुआ मम्मी? रुक रुक एक मिनट। क्या हुआ मम्मी, मैं पहले लेट हो रहा हूँ। सुबह सुबह दही खाने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। अब मैं जाऊँ? ठीक है, ध्यान से जाना। ओके मम्मी बाय। बाय। हे बजरंगबली, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, प्लीज मेरी हेल्प करना। भगवान अपने सच्चे और अच्छे भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। तुम तो सच्चे भक्त हो, तो फिर तुम क्यों निराश हो रहे हो? भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। रॉकी। अरे विनय मेरी जान, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। बस अपन भी बढ़िया। अरे पहले तू ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यार जिम में आता रहता हूँ। अच्छा, मैं भी आता रहता हूँ। वाह यार, फिर तो मजा आएगा। चल चलते हैं। चल चल। पिएगा? नहीं यार, तुझे तो पता है मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे यार, तुझे तो पता है मैं सिगरेट नहीं पीता। पी के तो देख। अबे तुझे मेरी कसम यार, पी के देख, पी के देख। ठीक है यार, तू कहता है तो ला दे। हाँ। अरे ले पी यार।
ये कैसी सिगरेट है यार, इससे तो नशा हो रहा है। अरे मजे कर मेरी जान, मजे कर, ये तुझे जन्नत दिखाएगी जन्नत। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, तुझे घर छोड़ दूंगा। चल यार, कल मिलते हैं। हाँ विनय मेरी जान, कैसा गया कल का दिन? मजा तो खूब आया यार, ऐसा लगा मानो मैं जन्नत में हूँ। जन्नत में? अबे तूने अभी जन्नत देखी कहाँ है? क्या मतलब? जन्नत तो मैं दिखाऊंगा आज तुझे। कहाँ पर? आ चल जा मेरी जान, ये सब किया है तूने कभी? नहीं यार। अबे मुझे पता था, कहां से करेगा, करेगा ये सब? हाँ यार करूंगा। हाँ तो चल मेरे साथ, लेकिन मुझे भी एक्सरसाइज करनी है। चल ठीक है, तो एक्सरसाइज कर, मैं तेरा बाहर वेट कर रहा हूँ, आज पूरी भड़ास निकाल लेना तेरी। अरे मेरी जान। ओके मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आजा फ्री होके। क्या रोकी भाई, क्यों उस भोले भाला लड़के को बिगाड़ रहे हो? भोला भाला? अबे तुझे पता है उसके बाप ने पूरे मोहल्ले के सामने मेरी माँ की बेइज्जती की थी और मुझे थप्पड़ मारा था। चल निकल यहाँ से भैंचोद। ओ मेरी जान, चलें? चल। इन कपड़ों में चलेगा? अरे घरों तो चलते हैं ना, चेंज कर लेंगे वहीं। घर? हाँ घर, तू दूर खड़ा जाइए यार। चल ठीक है। क्या? नहीं नहीं, बच्चों की तरह रोता रहता है। मर्द बन, ठीक है मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं तेरा। अरे यार विनय, क्या देख रहा है? जो करना है जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। तन्ना बड़ी जवानी चल रही से तारी पैर का। चल चल, अरे चलना निकल। अच्छा तो यहां से तेरी शुरुआत हुई? ये तो सिर्फ शुरुआत थी सर, ये बात पूरी मीडिया में फैल गई, मुझे घर से निकाल दिया। मुझ में गुस्सा भरा हुआ था सर, मैं बेवजह बदनाम हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं था, उसकी इतनी बड़ी सजा मिली। तब मेरा दोस्त रोकी मरहम की तरह मेरे पास आया। तूने कहीं का नहीं छोड़ा हमें, निकल जा हमारे घर से, और फिर अपनी ये महीन शक्ल हमें मत दिखाना, बदनाम करके रख दिया तूने, इससे अच्छा तो मेरा बेटा ही नहीं होता। तुमने सोचा था बड़ा होकर हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, ये नाम रोशन किया है तूने। निकल जा यहाँ से, निकल जा। मैं समझूंगा हमारा कोई बेटा था ही नहीं, मर गया तू हमारे लिए। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, तू अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जा, निकल जा, निकल जा हमारे घर से, निकल जा, निकल जा हमारे घर से, निकल जा, निकल जा।
विनय, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? मैंने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ गवा दिया मैंने, मेरे माँ बाप की इज्जत, मैंने सब कुछ गवा दिया, मेरी पढ़ाई भी। सॉरी यार विनय, मैं माफी चाहता हूँ, उस दिन तुझे अकेला छोड़कर भाग गया था, मैं बहुत घबरा गया था मेरे यार, पर तू फिक्र मत कर, आज से तू मेरी जिम्मेदारी है, चल मेरे साथ चल। आजा यार, तू बिल्कुल मत घबरा, मैं हूं ना तेरे साथ। चल बैठ। ले मेरी जान, फिर ले। नहीं यार, अब नहीं, तब इसी की वजह से हुआ है। अरे छोड़ना यार, कब तक उन पुरानी यादों के सहारे जिएगा? एक नई सुबह बाहें फैलाकर तेरा इंतजार कर रही है, भूल जा उन सब पुरानी यादों को, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है यार। जिंदगी खत्म हो गई यार। अरे यार विनय, तू दिल तोड़ रहा है, तू इसे ले। अरे ले यार विनय, पी। ला यार, तू बिना सुधरेगा नहीं। अबे रुक 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 रुक। अबे चोरी चोरी। विनय, जो उस दिन अधूरा रह गया था, आज पूरा करेगा क्या? क्या मतलब? जाओ उठा लो उसे। मैडम ये एड्रेस कहाँ मिलेगा? खोल खोल खोल, दरवाजा खोल, डाल, हाँ डाल, हाँ चल चल चला 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 चला, भगा रोगी भगा, चलो चलो। यार रोकी, छोड़ दे इस लड़की को, जाने दे प्लीज। रोकी रोकी प्लीज, इसे जाने दे यार, रोकी प्लीज। अरे यार विनय चुप कर, अगर इस लड़की को छोड़ दिया तो ये पुलिस के पास जाएगी और पूरे शहर की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। पकड़ कर रखो इस साली को, और तू अपनी भड़ास निकाल। नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे इस लड़की की जिंदगी खराब हो जाए। जिंदगी खराब हो जाए? और तेरी जिंदगी खराब हुई है उसका क्या? घर से निकला तू, बदनामी हुई तेरी, इस समाज ने, इन रीति रिवाज बनाने वालों ने, सबने तेरी बेइज्जती की है, आज उन सब से हिसाब बराबर कर ले मेरे दोस्त। ठीक है रोकी, तू सही कह रहा है, अब इस दुनिया को सबक सिखाने का टाइम।
काफी अच्छा रास्ता चुना तूने बदला लेने का। एक मासूम सी लड़की जिसका तेरे साथ कोई लेना देना नहीं था, उसकी जिंदगी खराब कर दी तूने। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा सर। हम हर एक रोज एक लड़की उठाते थे, उसका रेप करते थे, उसको वहीं फेंक देते थे। ऐसा कई दिनों तक चला और फिर एक दिन हमने एक लड़की उठाई, उसको लेके जा रहे थे, तभी रोकिए रुक रुक, वो देख शिकार उठा ले क्या? उठा लो। चलो एड्रेस बताना। यहाँ से आप स्ट्रेट चले जाइए, फिर राइट ले लीजिए। चल निकल बाहर। पुलिस कहाँ से आ गई? भाग यार, भाग रोकी। पकड़ो इन्हें। तू चाहता तो अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सकता था, पर नहीं, बल्कि जानबूझकर तूने ऐसा किया ताकि तेरे सीने के अंदर जल रही आग शांत हो सके। तुझे तो बदला लेना था ना, अपने नशे अय्याशी के शौक जो पूरे करने थे। तू चाहता तो कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बचा सकता था, पर नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। गलती हो गई सर, मुझे माफ कर। माफी? माफी और तुझे? तुझे माफ करने की गलती मैं कभी नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो कोशिश करूंगा तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दोबारा ऐसा कोई करने की सोचे तो उसकी रूह कांप उठे। लेके जाओ इसे।